हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो जैसा कि 31 मार्च को आपको एक एनटीए की तरफ से नोटिस आई थी, जिसमें आप सभी के जो रजिस्ट्रेशन डेट थी वो एक्सटेंड की गई थी 5 अप्रैल तक, और बताया गया था कि आप सभी को 6 और 7 अप्रैल को आप सभी की जो भी करेक्शन करनी होंगी आप सभी करेक्शन कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। लेकिन अभी तक UGC जो कि NTA की तरफ से चलती है, उसकी तरफ से कोई नोटिस हमारे पास नहीं आई है कि आप सभी अभी आप करेक्ट कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। तो आप सभी अभी वेट करेंगे, जिन लोगों का कोई भी गलती है फॉर्म में, कुछ भी गलती हुई है अगर आपसे, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही करेक्ट होंगी, सारी चीज़ें नहीं करेक्ट होंगी। जैसे कि आपका DOB हो गया, आपका पर्सनल नेम हो गया, माता पिता का नाम हो गया, इन चारों चीज़ों में से कोई एक चीज़ करेक्ट हो सकता है। या तो अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी ऐड करनी है आप यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर बात करते हैं कि आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो वो ऐड करते हैं कर सकते हैं। लेकिन अगर BTEC स्टूडेंट्स की बात करें तो वो 3 सब्जेक्ट उन लोगों को केवल एग्ज़ाम देना, 3 सब्जेक्ट का, ठीक है। तो आप सभी को इसमें शायद कोई करेक्शन नहीं करना होगा। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी ऐड करना चाहते हैं, मान लेते हैं आपने 2 ही यूनिवर्सिटी ऐड की, AKTO, IEEE, HBTO आपने नहीं ऐड की, तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। उसको उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अदर स्ट्रीम के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि BA, BSc, MSc कुछ भी करना चाहते हैं, अगर CUET के थ्रू आप, तो अगर आप सब्जेक्ट को कम चूज किए हैं पहले, और अगर आप सब्जेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि NTA ने पहले ही बताया हुआ है आपको कि जैसे कि जनरल के लिए बात करें तो 900 रुपये, और OBC वालों के लिए बात करें तो 800 रुपये, और SC ST वालों की बात करें तो फिर 700 रुपये आपको पर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप सभी नया सब्जेक्ट कुछ ऐड करते हैं। और अगर आप सब्जेक्ट को रिमूव करना चाहते हैं, मान लेते हैं बाई चांस आपको 4 सब्जेक्ट चाहिए था, आपने 5 सब्जेक्ट ऐड कर लिया, तो अगर आप सब्जेक्ट को रिमूव करते हैं तो भी आप सभी को जो एक्स्ट्रा पेमेंट लगा है वो पेमेंट आप सभी का वापस आएगा। लेकिन पेमेंट आने में कभी कभी टाइम लग जाता है, कभी कभी जल्दी आ जाता पेमेंट, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। तो आप इतनी सारी चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी नोटिस आती है NTA की तरफ से कि आपका करेक्शन ओपन हो गया, तो उसकी रिगार्डिंग आपको नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें आई होप कि आपकी समझ में आ गई होंगी। बाकी आप ध्यान से देखिएगा कि आप एक ही बार में जो भी करेक्शन आपको करना हो आप कर लीजिएगा, बार बार करेक्ट करने मत जाइएगा कि एक बार एक चीज़ करेक्ट करें फिर दोबारा दूसरी चीज़ करेक्ट करें, ऐसा मत कीजिएगा। केवल एक बार आपको चांस मिलेगा करेक्ट करने का, ठीक है। तो जो भी करेक्शन करना होगा आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप जाके सारी चीज़ें एक साथ करेक्ट करेंगे, उसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे, ठीक है। आपको पेमेंट जो करना है केवल सब्जेक्ट ऐड करना है, तो फिर आपको पेमेंट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर पेमेंट आपको किसी भी चीज़ को करेक्ट करने के लिए नहीं करना पड़ेगा। बाकी क्या क्या चीज़ें आप सभी की गलत हुई हैं और अगर वो करेक्ट हो सकते हैं तो हम उसके रिगार्डिंग आगे बात करेंगे। नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें करेक्ट हो सकती हैं, मतलब कि आपने क्या क्या गलती की है। और अगर अभी तक आप सभी ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जो भी आप सभी का डाउट रहता है आप वहाँ पर उस डाउट को सेंड कर सकते हैं, और वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे भी कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। बाकी जो भी हो सकेगा हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। अगर आप BTEC स्टूडेंट्स हैं, आपके नोट्स भी वहाँ पर प्रॉपर प्रोवाइड किया गया है, चाहे वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का हो चाहे ग्राफिक्स का हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर अभी तक आप सभी ने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो तुरंत जाइए और उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और अपने दोस्तों को भी इस बारे में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।